आज सुपर संडे में दो मैच खेला जाएगा। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में है और दूसरा मैच मेरे भाई आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच में है। अगर इस मैच में चेन्नई सुपर किंग हार जाती है और नेक्स्ट मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीत जाती है मेरे भाइयों, तो फिर बता दूं आपको कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के भी क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई उसके बाद सारा मैच जो हो जाएगा सारे टीम के लिए डू एंड डाई मैच हो जाएगा। अब इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के 61वें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। बता दूं आपको मेरे भाई, दो टीम ऑफिशियली बाहर हो चुकी, आपको पता है मुंबई और पंजाब, और एक टीम जो है वो ऑफिशियली क्वालिफाई कर गई आज का मैच केकेआर जीतने के बाद, जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है ऑफिशियली, और पहली टीम बनी है ऑन पेपर जो क्वालिफाई करी है। अब इस मैच में वो बताने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए चेन्नई सुपर किंग का हाल। चेन्नई सुपर किंग का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली मेरे भाई इसका बॉलिंग लाइनअप में इसका मेन बॉलर मुस्तफिजुर रहीम वापस चला गया है, मरीसा पथिराना वापस चला गया है, और मेरे भाई दीपक चहर को एंकल इंजरी हो गया है, तो तीन का तीन बॉलर हो गया है इसका बाहर। अब टीम का बॉलिंग जो है मेरे भाई तुषार देश पांडे पे टिका हुआ है, सुरदुल ठाकुर पे और सिमरनजीत सिंह पे और डैनियल मिचेल पे। अब इस तरह का बॉलिंग को लेके चेन्नई सुपर किंग मेरे भाई सेमीफाइनल में नहीं जा सकता है, इसको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अब क्या बदलाव करती है टीम, अगर सेम बॉलिंग के साथ आई मेरे भाई तो फिर टारगेट चाहे चेन्नई बनाए 160 का, चाहे 180 का, चाहे 220 का, चाहे 240 का, राजस्थान उस टारगेट को चेज कर लेगा। अब गली बात की बात यह है कि 2021, 2022 और 2023 पिछले तीन साल में दोनों टीमों ने चार मैच खेला है और चारों में चारों मैच राजस्थान रॉयल्स ने विन करा है। पिछले चार साल में मतलब 2021 से लेके 2024 के बीच में चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान रॉयल्स से एक भी मैच नहीं जीता है मेरे भाइयों। मतलब चेन्नई बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती है राजस्थान रॉयल्स के सामने में। राजस्थान की टीम बहुत स्ट्रांग है, इसके ओपनिंग में मेरे भाई बटलर, यशस्वी, फिर मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन, रियान पराग, फिर फिनिशर के तौर पे मेरे भाई यहाँ पे ध्रुव जोरेल और सिमरन हेटमायर, मतलब छः का छः प्लेयर जो है वो पेटी पैक है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग तो खैर राम भरोसे है इसका, बैटिंग में भी देखोगे तो मेरे भाई ओपनर इसका फ्लॉप जा रहा है, रहाने पिछले छः मैच से फ्लॉप जा रहा है। बता दूं मेरे भाई उसके बाद डिवाइन कॉनवे बाहर हो गए, उसके जगह पे मेरे भाई जो रचित रविंदर आया, रचित रविंदर एक मैच में परफॉर्म कराए, छः मैच में फ्लॉप गए, मेरे भाई सात मैच खेला है टोटल। ऋतुराज गायकवाड़ एकलौता ऐसा प्लेयर है जो रन बना रहा है, उसके अलावा शिवम दुबे ने शुरुआत के तीन मैच में रन बनाया, पिछले पाँच मैच से शिवम दुबे भी फ्लॉप जा रहा है। तो कुल मिला के चेन्नई सुपर किंग का हालत बहुत खस्ता है, जो हालत मेरे भाई मुंबई इंडियंस का था सेम हालत चेन्नई सुपर किंग का है मेरे भाइयों। अभी बात करें तो ये मैच सीधा होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। मैच आज ही खेला जाएगा, टाइमिंग 3:30 बजे का होगा, एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेलेगा। चेन्नई के पास बस एक ही प्लस पॉइंट है कि ये अपने होम ग्राउंड पे मैच खेल रही है, इसके अलावा कोई भी एडवांटेज चेन्नई के पास नहीं है मेरे भाइयों। मार्केट में मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फेक चैनल बन गया है, तो मेरे ओरिजिनल चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारा धमाका नंबर 7201050506। अब हेड टू हेड की बात करोगे मेरे भाई तो दोनों टीमों ने 29 मैच खेला है, जहां 15 मैच चेन्नई ने विन करा है और 14 मैच जो है वो राजस्थान ने विन करा है। लेकिन लास्ट 10 मैच की बात करोगे तो राजस्थान के विनिंग चांसेस 70% के आसपास है और चेन्नई के मात्र 30% के आसपास है। मेरे चेन्नई ने 3 मैच विन कराया और राजस्थान ने 7 मैच विन कराया। अब जो लास्ट 5 मैच खेला गया है उसमें अगर आप डेटा देखोगे तो राजस्थान विन 32 रन, राजस्थान जीता 3 रन से, राजस्थान जीता 5 रन से, राजस्थान जीता 7 रन से और चेन्नई जीता मेरे भाई 45 रन से। अभी बात करोगे तो 2023 में 2 मैच खेला, दोनों मैच राजस्थान ने विन करा, 22 में 1 मैच खेला उसको भी राजस्थान ने विन करा, उसका 21 में 1 मैच खेला उसको भी मेरे भाई राजस्थान ने विन कराया, मतलब राजस्थान के पास प्लस पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एमए चिदंबरम स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में बात करोगे मेरे भाई तो जनरली जो है ये पिच जो है मेरे भाई एक ड्राई पिच रहता है, और बता दूं आपको कि चिपॉक के स्टेडियम के नाम से जानते हो, और चेन्नई का थोड़ा सा इसके पास एडवांटेज रहता है इस पिच पे, पिच ज़्यादा बड़ा स्कोरिंग नहीं है, थोड़ा सा डिफेंड को भी पिच जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पिच पे ज़्यादा आपको हाई स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे भाई, पिच मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिच स्लो होता जाएगा। बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छा विकेट टेकिंग पिच है मेरे भाई, लास्ट 4 मैच में 43 विकेट गिरा है, फास्ट बॉलर अच्छा खासा विकेट निकालेगा मेरे भाई, और सेकेंड बैट पे अगर ड्यू नहीं आया तो एडवांटेज, मतलब ड्यू आया तो सेकेंड बैट का एडवांटेज रहेगा, बाकी चेन्नई का इस पर हेवी एडवांटेज रहता है।
अब रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो चेन्नई सुपर किंग लास्ट मैच हार के आ रही है और बहुत बुरी तरह हार रहा है मेरे भाई। उसके पहले लास्ट 5 में से 2 मैच विन करी है। राजस्थान बैक टू बैक मेरे भाई 2 मैच हार के आ रही है। इतनी स्ट्रांग टीम है जो कभी भी बैक टू बैक 2 मैच नहीं हारती, अभी हार के आ रही है मेरे भाई। अब वेन्यू स्टैट्स के बारे में बात करेंगे तो इस वेन्यू पे टोटल 136 मैच खेले गए, जहाँ 71 मैच डिफेंड हुआ है, 63 मैच चेज हुआ है, 2 मैच टाई हुआ है। एवरेज स्कोर 159 रन का है। हाईएस्ट स्कोर मेरे भाई 246 रन है और लोएस्ट स्कोर 70 रन है। अब रिसेंट जो इस वेन्यू पे मैच खेला गया 137, 206 और 173 रन लगा है, जहाँ पे मेरे भाई बैक टू बैक चेन्नई अपना सारा मैच जो है अपने होम ग्राउंड पे जीत के आ रही है। इसलिए बोला था कि चेन्नई जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है, बाकी राजस्थान ऐसी टीम है जो दूसरे के घर में घुस के हराने के लिए एक्सपर्ट्स है। अब चेन्नई सबसे पहले बात करते हैं टीम प्रीव्यू के बारे में। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम कहाँ मात खा रही है। फास्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तुषार देशपांडे, सिमरनजीत सिंह, ये दो इसका मेन बॉलर है और ये दो मेरे भाई एक एवरेज बॉलर है। टीम का सबसे बड़ा दिक्कत है मेरे भाइयों कि बता दूं मेरे भाई कि टीम जो है इस कंडीशन में है कि इसको अगर क्वालिफाई करना है तो इसको 2 मैच में से 2 मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर 2 में से 1 मैच भी अगर गलती से हार जाती है चेन्नई सुपर किंग इस मैच को, तो फिर इसके क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी डेनियल मिचेल 5th बॉलिंग ऑप्शन है, जो बहुत बेकार ऑप्शन है। अजिंक्य रहाणे के पास फॉर्म नहीं है, शिवम दुबे जडेजा भी अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। टीम प्रोप जो है मेरे भाई बहुत ज़्यादा स्टेजिंग पे फ्लॉप है। अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर ठीक ठाक कर सकती है, अगर चेज पे आ गई तो कहानी खत्म समझिए चेन्नई सुपर किंग का। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करोगे तो बता दूं राजस्थान रॉयल बैक टू बैक सारा मैच जीतने के बाद अपना लास्ट 2 मैच हारी है और काफ़ी बुरी तरह हारी है मेरे भाई, और मार्जिनल लॉस की है। लास्ट मैच में तो संजू सैमसन का जो वो कैच जो वो आउट नहीं था उसको आउट दिया गया, जिसके वजह से ये टीम हारी है मेरे भाई। बाकी जॉस बटलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल बैलेंस टीम है और बहुत अच्छी टीम है। बॉलिंग में मेरे भाई संदीप शर्मा और ट्रेंट बॉल का भी बहुत अच्छा बॉलिंग आ रहा है, और स्पिन डिपार्टमेंट में युगविंदर चहल बहुत अच्छा स्पिन फेंक रहा है और आर अश्विन भी बहुत अच्छा स्पिन फेंक रहा है मेरे भाई। टीम जो है चेजिंग पे ठीक ठाक है, स्ट्रांग है मेरे भाई। अब बात करें टीम के प्लेइंग 11 के बारे में तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंदर दिखेंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में डेनियल मिचेल, शुभम दुबे, मोइन अली दिखेंगे। फिनिशर के तौर पे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे, और एज ए स्पिन ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और सिमरनजीत सिंह दिखेंगे मेरे भाई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग दिखेंगे, और डोनोवन फरोरा को लास्ट मैच में खिलाया गया था जो फ्लॉप है गया था मेरे भाई। उसके बाद रोमान पावल दिखेंगे, शिवम दुब दिखेंगे, आर अश्विन दिखेंगे, ट्रेंड बॉल दिखेंगे, अवेश खान दिखेंगे, संदीप शर्मा दिखेंगे और यूजी चहल दिखेंगे मेरे भाई। इंपैक्ट प्लेयर में इधर चेन्नई सुपर किंग तरफ से अजिंक्य रहाणे और जॉस बटलर दिखेंगे मेरे भाई आपको जो है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो ये ओवरऑल वीडियो रहने वाली है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोनों टीम को फिर से एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ। चेन्नई की टीम के मेरे भाई बैटिंग कुछ भी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग बहुत एवरेज है, लेकिन वही राजस्थान की बात करोगे तो बॉलिंग इसका बहुत ओवर स्ट्रांग बॉलिंग है, मतलब बहुत बेहतरीन है, और बैटिंग भी ठीक ठाक है। मतलब अगर दोनों टीम को अगर अभी कंपेयर करोगे ऑन पेपर तो राजस्थान की टीम जो है वो अच्छा प्रॉपर मजबूत दिख रही है मेरे भाई। वो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक ठोक दीजिएगा मेरे भाई। चलिए, हर महादेव, जय महाकाल।